This is KD Sir from CYM Education. Today we are going to discuss chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Right? ये trigonometry का जो chapter, जो बच्चों को बहुत hard लगता है, बहुत सारे बच्चे इसे ignore करते हैं, कोई left out कर देते हैं, ये मेरा experience है. Right? लेकिन even बहुत school में भी थोड़ा सा ये problem create होता है. लेकिन मैं आपको surety देता हूँ, अगर ये video आप watch करोगे, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना और अगर पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट बाकी आपके जैसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनको ये वीडियो काम आ सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाया गया, क्यों इन्वेंट किया गया, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज करना चाहिए, ये पहले आप क्लियर कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एक लाइन में बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू हाइट एंड डिस्टेंस. ये वाला लाइन आप माइंड में रख लो, बहुत इजी हो जाएगा. वापस बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इज इक्वल टू हाइट एंड डिस्टेंस. हाँ बच्चों ध्यान देना, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने दो वर्ड यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री वही यूज होता है, हाइट फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. अब आप मुझे कहोगे हाइट फाइंड करने में क्या था सर, डिस्टेंस क्या है सर, मेजरमेंट लिया आ गया, यू मेजरमेंट लिया हाइट आ गया, ये फिर हाइट एंड डिस्टेंस की ये ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत कहां है. यस, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत वहां पड़ी आपको हाइट फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ये माउंटेन है इसका हाइट फाइंड करो, आप बताइए इंच टेप लेके कहां जाओगे आप, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. राइट, मैं आप कहता हूं कि आप यहां खड़े हो ऑन द हाई, राइट, और आपका फ्रेंड इधर आ रहा है यहां पे खड़ा है, आप बताओ, मैं बता रहा हूं कि आपके और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो कैसे करोगे आप, कोई दूरी फेंकोगे ऊपर से माउंटेन से, नॉट पॉसिबल. राइट, तो ऐसी जगह पे इस तरह के प्लेसेस पे हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड. ट्रिग्नोमेट्री मेड इट सो इजी दैट यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ एनी मॉन्यूमेंट. राइट, दिस इज द थिंग, कोई भी जगह, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्लेस हो, आप इसका हाइट भी फाइंड कर सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. नॉट ओनली माउंटेन, राइट, एक प्लेन ऊपर से उड़ रहा है, राइट, और आपको यहां से नीचे से आपका उसको एंगल ढूंढना है, यू कैन फाइंड आउट. आप काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, बराबर, काइट फ्लाइंग कर रहे हैं तो उसका जो है आपको एंगल ढूंढना है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आप सबमरीन में हैं और दुश्मन का शिप ऊपर है, वो किस एंगल में शिप है वो फाइंड आउट करना है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे प्रैक्टिकल प्लेसेस में काम आते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट The basic thing is you must know factorization. Factorization का basic अच्छी तरह समझ लेना. मैं जब identity सिखाऊंगा next video में, उस वक्त मैं थोड़ा सा basic factorization भी सिखाऊंगा. So please मेरा next video भी देखना. Okay? और उस video का notification अगर आपको चाहिए, तो subscribe के बाजू में जो bell icon है, उसे press करो. तो मेरा next notification आपको मिल जाएगा. अच्छा, ये बात हुई. अब ये factorization. दूसरी बात आपको ये है, थोड़ा सा फॉर्मूलास चाहिए. वो फॉर्मूला अगर आपने अच्छी तरह कर लिया तो मेरे ख्याल से चैप्टर सबसे इजी चैप्टर रहेगा. आप यहाँ देखिए, ये तीन डायग्राम मैंने दोरा है, राइट, एक माउंटेन का दोरा है, एक मैंने दोरा एक बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, बराबर, और एक एरोप्लेन उड़ रहा है, उस तीनों का दोरा है. मैंने ये तीन डायग्राम अलग अलग इसलिए दोरे हैं कि आपको बेसिक समझ पड़ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्या है. लेट्स सी. See, अभी मुझे यहाँ पे आप खड़े हो, right? और आपका डिस्टेंस ढूंढना है, तो see, here I will draw a line which is vertical or perpendicular line. Now this perpendicular line, if I join over here, ये आपको कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है जरा देखिए. This is a right angle triangle, right or wrong, right? This is a right angle triangle. यहाँ पे देखिए, आप परिष्कर बिल्डिंग, राइट, 12 फ्लोर पे खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आपका फ्रेंड यहाँ खड़ा है, उसका आपको डिस्टेंस ढूंढना है. ये आपका हो गया
मैंने बेस जॉइन किया, तो ये अगर बेस जॉइन करता हो तो वापस यहाँ बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। आप यहाँ खड़े हैं, एरोप्लेन यहाँ बन रहा है, अगर मैं एरोप्लेन के नीचे स्ट्रेट एक एंगल जोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद आपको जॉइन करता हूँ, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। This is also right angle triangle. This is also right angle triangle. तो हर जगह पे trigonometry में maximum you have to use right angle triangle. Right angle triangle अगर आपने find out कर दिया कोई भी diagram में कोई भी फ्रेंड आपका trigonometry का sum solve. Okay? अच्छा अभी ये right angle triangle से sum कैसे solve होगा ये भी बताता हूँ. Right angle triangle आएगा तो आपको Pythagoras theorem आने वाला है. तो यू मस्ट नो द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छी तरह पता होगा, ऑलरेडी वी हैव डन इट राइट. लेट मी एग्जांपल. पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड whole square, right? Now, hypotenuse, square of hypotenuse is equal to sum of square of adjacent side, two adjacent side. This is the formula of Pythagoras theorem. हम लोग triangle ABC को रखके देखते हैं. Triangle ABC is equal to AC square is equal to AB square plus BC square. Okay? This is the basic formula. तो अगर AC square is equal to AB square plus BC square, अगर आपको AC ढूंढना है, कुछ नहीं करना है आपको, AC is equal to square root of AB square plus BC square, ये लिखना है. अच्छा, ये था AC square ढूंढने का. अगर आप पूछोगे सर मुझे BC ढूंढना हो तो बस ये मेन फॉर्मूला है, उसमें से फॉर्मूला डिराइव करो, खुद डिराइव करने का प्रैक्टिस करो. जैसा अभी मुझे AB square ढूंढना है, BC square को उस पर भेज दो, तो AB square is equal to AC square minus BC square. फिर उसके बाद BC square ढूंढना है, BC square is equal to AC square minus AB square. ये आपके तीन मेन फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से. तो इस तरह आपको हाइट एंड डिस्टेंस ढूंढने के लिए मेनली जो फॉर्मूला है वो है पाइथागोरस थ्योरम. ओके नाउ अब ये हो गया, हमने ये फाइंड आउट किया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज कैसा और किस तरह हम लोग यूज करने वाले हैं, कहाँ का प्रैक्टिकली यूज होता है. अब हम देखते हैं रेशियोज का. अब एक बात है, अभी तक जो मैंने बात की वो है डिस्टेंस की, अभी सिर्फ अभी हमने डिस्टेंस की बात की. अब बताइए एंगल भी तो हो सकता है. एंगल बोले तो सर हमने तो बहुत पढ़ा हुआ है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री. यस आई एग्री राइट, आप लोगों ने ये सारे एंगल्स तो पढ़े ही हैं. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं 33 डिग्री ये वाला डिग्री पे कुछ दोरो तो कहां से दोरेंगे. अगर मैं आपको बोलूं कि ये 67 डिग्री 15 मिनट्स है तो ये कहां जाएंगे राइट. तो ये आपको कहां से ढूंढना है. ऐसे टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री दे केम आउट विद टू बेसिक एंगल्स. अब वो भी हम आपको बेसिकली समझाते हैं. देखिए ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. एंगल बी इज राइट एंगल राइट. नाउ यू ऑल वेरी वेल नो एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल राइट. अब यही हम लोगों को कुछ फाइंड करना है राइट. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये एंगल सी है, यहाँ पे एंगल सी की जगह पे मैं थीटा लिखता हूँ. अब बच्चे लोगों को ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये थीटा कंपलसरी लिखना है, ये अल्फा लिखते हैं कभी बीटा लिखते हैं, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं सर. तो मैं बताता हूँ आपको, थीटा अल्फा बीटा गामा ए बी सी यू कैन राइट एनीथिंग. They are supposed for an angle. हम लोगों ने suppose किया हुआ algebra में. Let's the father fetches x. Let's mother brought x gram of sugar. है ना, सबके लिए x लिखा था. याद है? वो suppose किया था. तो any number for supposition we use x, y ये सब. तो अब कोई भी angle के लिए हम जब suppose करेंगे, तो आप theta, alpha, beta, gamma कुछ भी ये कर सकते हैं.
तो उससे कोई घबराने की बात नहीं। सो दिस इज थीटा, राइट। आप मुझे एक बात बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने यहाँ थीटा लिखा है, आप एंगल सी पे खड़े हैं, तो आपके लिए ऑपोजिट साइड कौन सा हुआ? दिस इज योर ऑपोजिट साइड, राइट। अच्छा, ये ऑपोजिट साइड हुआ, तो आपके लिए एडजेसेंट साइड कौन सा हुआ? तो ये एडजेसेंट साइड। ओके, अगर वही अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये बन जाएगा ऑपोजिट साइड और ये बन जाएगा एडजेसेंट साइड, तो ये जरा याद रखना। ओके, तो नाउ दिस एज आई सेड कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दे केम आउट विथ टू बेसिक एंगल्स, दैट इज वन इज साइन, एस आई एन ई, साइन, बरोबर। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वापस मैं बोल रहा हूं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मुझे क्या लिखना है, खाली कोसाइन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? कोसाइन हो गया। बस ये दो एंगल है जो बेसिक है, इसके बाद और चार एंगल जो बनेंगे ये इनको रख के बनेंगे, उन लोगों को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एंगल्स। जब भी कोई मेन से कुछ बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड बोलते हैं, तो ये दोनों मेन एंगल्स हैं, इससे कौन से अदर एंगल्स बनते हैं वो देखते हैं। दिस इज साइन, नेक्स्ट इज वन अपॉन साइन, राइट, ये बनेगा कॉसेक। क्या बना? कॉसेक। अनदर थिंग, वन अपॉन कॉस, ये बनेगा सेक, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं लिखूं साइन अपॉन कॉस, तो ये बनेगा टैन, राइट। और उसके बाद अगर मैं लिखूं कॉस अपॉन साइन, तो ये बनेगा कॉट, राइट। याद रखेंगे आप छह एंगल्स, साइन कोसाइन कोसेक सेक टैन कॉट। वापस बोल रहा हूं, साइन कोसाइन कोसेक सेक टैन कॉट, और इस तरह आपको छह एंगल्स याद रखना। अब ये छह एंगल्स के हम रेशियो देखते हैं ट्रायंगल्स में, राइट। पहले ये याद कर लो एक बार, साइन कोसाइन कोसेक सेक टैन और कॉट। अच्छा, ये चार के कैसे याद रखा है? कोसेक मतलब 1 अपॉन sec, sec मतलब 1 अपॉन cos, sin अपॉन cos का मतलब tan और cos अपॉन sin का मतलब cot। अब आपने पूछा होगा कि ये कहीं भी मैंने एंगल थीटा डाला नहीं, आप जो डालना डाल सकते हैं, थीटा डाल सकते हैं, अल्फा डाल सकते हैं, बीटा डाल सकते हैं, यू कैन पुट एनीथिंग। ओके, दिस वे वी कैन हैव फाउंड आउट दिस सिक्स different types of angles in trigonometry. अब इनका रेशियो सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, right? This is A, this is B, this is C. आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? एंगल A लिखा होगा, B लिखा होगा, ऐसा होगा, लेकिन मैंने अभी A, B, C लिखा है। तो this is angle triangle ABC, angle B is 90 degree. That is right angle triangle ABC, right? Now, अब बताइए, मैं suppose इसे यहाँ पे theta लिख देता हूँ, राइट। थीटा के बेस पे हम लोग एंगल के रेशियोस बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। नंबर वन इज इक्वल टू, अगर देखो ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी, तो डाल दीजिए ए बी अपॉन ए सी, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला हो गया। You can remember this. Second one, cos theta is equal to, right, adjacent side upon hypotenuse is equal to, यहाँ पे क्या आएगा, BC upon AC, बरोबर है, right? ये आपको याद रखना है। cos theta क्या हो गया, adjacent side upon, ये मैंने adjacent कैसा लिखा, ADJ side. थर्ड आएगा, राइट, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमने अभी पढ़ा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, याद है आप लोग को, राइट। अब 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन थीटा को हमको अप डाउन करना है, तो देखिए क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू एसी अपॉन एबी। ओके, फोर्थ लिखेंगे हम लोग sec थीटा, sec थीटा किसका ऑपोजिट था, हमारा cos का, तो हम लिखेंगे 1 upon cos theta is equal to adjacent side, ऊपर आएगा hypotenuse, hypotenuse upon adjacent side is equal to AC upon BC, क्योंकि adjacent side ये है, right? अब fifth नंबर आएगा tan theta, tan theta देखिए कैसे करना है,
tan theta का मतलब है sin theta upon cos theta, right? sin theta upon cos theta. अब आपको मालूम है sin theta क्या था? sin theta था AB upon AC. यहाँ पे हम लिखते हैं hypotenuse upon opposite side upon hypotenuse multiplied by cos theta क्या आएगा? नीचे आएगा, right? cos theta आएगा adjacent side upon hypotenuse. तो hypotenuse आ जाएगा ऊपर, right? तो this hypotenuse hypotenuse cancel हो गया. अब क्या बचेगा? opposite upon adjacent side. तो formula याद रहेगा tan theta is equal to opposite upon adjacent side. तो क्या है opposite? AB upon BC. AB upon BC. और six number जो last है वो आएगा cos theta is equal to cos theta upon sin theta. cos theta upon sin theta. वापस इसका भी ऐसा ही है. adjacent upon hypotenuse into hypotenuse upon opposite, right? hypo hypo कट हो गया. यहाँ पे आएगा adjacent upon in, तो इसका उल्टा, that is bc upon ab, right? तो यहाँ पे देखिए, तो cot theta और tan theta भी रिवर्स में है. ab upon bc, bc upon ac. तो इसका मतलब ऐसा है कि आप tan theta is equal to 1 upon cot theta लिख सकते हैं, right? this is another derivation. tan theta is equal to 1 upon cot theta और cot theta is equal to 1 upon tan theta. इस तरह आपको ये 6 एंगल याद रखना है, 6 रेशियोस याद रखना है. ये रेशियोस के बेस पे आपके सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे. 8.1, फिर 8.2 में आएगा एंगल्स, वो मैं जो आपको टेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. और 8.3 ये सब आइडेंटिटीज हैं, वो आपका उसका कांसेप्ट जो है उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा. ओके, बस अगर आपने ये समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों फाइंड आउट हुआ और उसके रेशियोज क्या है, यू विल गेट इजीली सॉल्व, यू कैन इजीली सॉल्व दी सम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you understand the concept of trigonometry and I hope you can now solve the sums with confidence, right? So please go ahead, sare sums solve kijiye, examples karo, then you solve the exercise. Koi problem hai, koi query hai, bindaas poocho, comments mein likho, main aapko uska answer, uska sum solve karke main aapko bhejunga, aapko answer dunga. Okay, so just be frank, be open to me. ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले. शेयर इसलिए करो कि बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जो ट्रिग्नोमेट्री से डरते थे, अब वो कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय.